नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी कोशिश होगी कि देश भर में कला और सांस्कृतिक जगत की रंगत को सिर्फ अगले आधे घंटे में आपके सामने हम पेश कर सकें। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। इन दिनों देश नहीं बल्कि दुनिया भर से साहित्यकार, लेखक और पाठक जुट रहे हैं गुलाबी नगरी जयपुर में, क्योंकि मौका है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। और यहाँ पर उससे ज़्यादा प्रतिभागी साथ में मिल रहे हैं, तो वहीं दुनिया भर से साहित्य के कदरदान भी पहुँच रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाला है ये महोत्सव, तो इसमें क्या कुछ होने वाला है खास, आइए हम आपको बताते हैं। डिग्गी पैलेस में गुरुवार से 5 दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की भव्य शुरुआत हुई। गाजे बाजे ढोल नगाड़े के बीच जेएलएफ के 9वें संस्करण का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उद्घाटन किया। आगाज के साथ ही अगले 5 दिन अब पिंक सिटी में विचारों की बयार और शब्दों की बारिश से साहित्य की महफिल महकेगी। साहित्य के इस महाकुंभ के दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। गौरतलब है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री लिटरेचर फेस्टिवल है। शास्त्रीय संगीत और कड़ाके की ठंड के बीच जयपुर साहित्य उत्सव की शुरुआत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। उत्सव की शुरुआत शास्त्रीय गायक गायत्री कौंडिन्या और राजस्थानी संगीतकार नाथूलाल सोलंकी और छुग्गे खान के संगीत से हुई। दुनिया भर में अनूठी पहचान रखने वाले जयपुर साहित्य उत्सव में एक बार फिर विश्व साहित्य पर अधिक फोकस रहेगा। The book is organized along these three contradictions and try to see how this is responsible for both instability and resilience, because none of them has won, none of the two has won so far, and therefore we cannot be in black and white. मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन और कहानी लिखने की शुरुआत पर रोशनी डाली। शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरियों के बीच साहित्य, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला और साहित्य जगत की 360 से अधिक हस्तियां एक मंच पर एकत्र होकर अगले 5 दिनों तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगी। ये समारोह 2006 में शुरू हुआ था और तब से यहाँ 17वीं सदी के डिग्गी पैलेस में ही इसका आयोजन होता रहा है। और आइए अब आपको ले चलते हैं 6ठे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव में, जहां देश भर से एक से बढ़कर एक कलाकारों ने तो अपनी यादगार प्रस्तुति दी ही, तो वहीं उनके साथ विदेशी कलाकार भी ताल से ताल मिलाते नजर आए। दिल्ली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव का समापन बुधवार को हुआ। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित इस उत्सव में कई देशों से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया। यही नहीं, देश के कई राज्यों से भी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से इस उत्सव को सफल बनाया। दिदा,
मणिपुर से लेकर मलेशिया तक, श्रीलंका से लेकर किर्गिस्तान के कलाकारों ने जब अपनी कला का मुजाहिरा किया तो मानो कई संस्कृतियों को मिलाकर एक ही संस्कृति बन गई। नृत्य हो या संगीत हो, तीन दिवसीय इस उत्सव में कौन कलाकार कहाँ का है पता लगाना मुश्किल था, और यही मकसद है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का भी। भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पारस्परिक समझ को बढ़ाना, अन्य देशों और लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करना और ऐसे कदम उठाना जो इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में आवश्यक हो। इस उत्सव में जहां दर्शकों ने दुनिया भर की एक झलक को आंखों में समेट लिया, वहीं कलाकारों ने भी बहुत से नए रिश्ते बनाए, नई संस्कृतियों को गले लगाया। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली में हुए पहली बार इंडियन आर्ट फेस्टिवल की, जिससे नाम दिया गया एक जश्न का, जी हां, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट के सेलिब्रेशन का। इस आर्ट फेस्टिवल में तकरीबन 50 गैलरीज और 300 से भी ज्यादा आर्टिस्टों ने शिरकत की, और साथ ही शुरुआत हुई एक संवाद की विभिन्न आर्ट गैलरीज के बीच, आर्ट कलेक्टर्स के बीच, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बीच, और साथ ही साथ अफोर्डेबल आर्ट के कॉन्सेप्ट को भी बड़ा हवा मिला। कला और कलाकारों के लिए एक आधुनिक और समकालीन मेला भारत कला महोत्सव, जिसमें 40 कला दीर्घ और 15 अलग अलग शहरों और 5 देशों के 350 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी सारे आर्ट लवर्स, आर्ट कलेक्टर्स यहाँ हर दिन आ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जो इंस्टॉलेशन बनाए हैं, ये लोगों का खुशी के लिए, और इसमें लोग आते हैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस में और देखते हैं। दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मी एंड इट्स रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी हियर एंड कैच विद द न्यू पीपल एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। होप आई विल गेट अ गुड रिस्पॉन्ड इन दिस, बट ऑफ कोर्स इज़ अ नाइस। ये महोत्सव कला दीर्घाओं, स्वतंत्र कलाकारों, कला संग्राहकों और पारखियों के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया मॉडल है। ये उभरते हुए स्वतंत्र कलाकारों को कुछ नया करने का अवसर प्रदान करता है, और साथ ही स्थापित निपुण कलाकारों से सीखने का मौका भी प्रदान करता है। लोगों को इस महोत्सव ने अपनी ओर खूब आकर्षित किया है। I see each and every painting of this art gallery, all the paintings, it was really good and it was really fantastic, awesome. Art festival बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं सप्ताह दिन से पेपर में देख रहा था, तो मेरे बच्चों का थोड़ा यह हुआ कि मुझे आर्ट फेस्टिवल घुमाया जाए, इसीलिए मैं बच्चों को आर्ट गैलरी को दिखलाने के लिए महल लाया हूँ। भारतीय कला महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मध्यम स्तर की दीर्घाओं के साथ साथ कुछ बड़ी दीर्घाओं को भी शामिल करना है, जो सीमित व्यय के लिए अपना मूल्य पाना चाहती हैं। ये महोत्सव कला खरीदारों के लिए एक कला मेला के साथ साथ प्रदर्शकों के लिए भी काफी सस्ता है। कैनवस की दुनिया के हैं रंग अनेक, तो इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं विशाखापट्टनम, जहां पर चारकोल से बनाए गए कलाकृतियों को देखने के लिए जबरदस्त भीड़ जुटी। ये नज़ारा है विशाखापट्टनम का, जहां पर ब्लैक मैजिक नामक 2 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
क्या आप लोग जानते हैं कि ईसा पूर्व किस तरह से कैनवस पर आकृतियां उकेरी जाती थी? अगर नहीं तो उसका जवाब है ये प्रदर्शनी। यहाँ पर कलाकारों का मानना है कि ईसा पूर्व चारकोल के जरिए कलाकृतियां बनाई जाती थी, कैनवस पर पेंटिंग की जाती थी। Why black magic is all the sketches what I have done is purely with charcoal. Why I chose charcoal is it's an age old media getting back to the 23,000 BC and the varieties of charcoal you use in hard, medium and smooth and the advantages of using this is you can have a different gradients when using the charcoal. और उसी पौराणिक कला विधा को इस प्रदर्शनी के जरिए जीवित करने की कोशिश की गई। इस प्रदर्शनी में महर्षि वेदव्यास, शंकराचार्य, कृष्ण भगवान, मदर टेरेसा और विभिन्न जाने माने लोगों के स्केचेस और पोर्ट्रेट्स नजर आए। साथ ही प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक रंगों को एक बार फिर कैनवस पर जगह दी जाए। और आइए देख लेते हैं कि बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। ये स्कल्पचर एग्जीबिशन है सी रेगू की। भोपाल से आए मशहूर आर्टिस्ट सी रेगू ने इस बार अपनी स्कल्पचर एग्जीबिशन के लिए चुना है बस्तर और वायनाड के इन आदिवासी लोगों को। द सिरेमिक प्रेजेंस इस प्रदर्शनी में बस्तर और वायनाड की आदिवासी संस्कृति, वहाँ के लोगों की एक जीवंत छाप नजर आती है। आदिवासी संस्कृति जिसमें इंसानों और प्रकृति के बीच एक बेहद मासूम रिश्ता, सिर्फ खुशी की चाहत, न मोह माया और न पैसे की ललक। मिट्टी से बने ये तमाम पुतले आदिवासी संस्कृति की इसी मूल भावना को चरितार्थ करते हैं। अब आपको ले चलते हैं थिएटर की जादुई दुनिया में। साहित्य नाटक अकादमी द्वारा आयोजित उत्सव नाट्य समागम जो रहा समकालीन भारतीय नाट्य प्रयोगों के नाम, हमारी पारंपरिक और सांस्कृतिक विविधताओं की अभिव्यक्तियों के नाम। संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी है। अपनी स्थापना काल से ही अकादमी देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कार्य करती रही है। अकादमी द्वारा नाट्य समागम समकालीन भारतीय नाट्य प्रयोगों, परंपराओं व विविध संस्कृति अभिव्यक्तियों का उत्सव 9 जनवरी से 17 जनवरी तक नई दिल्ली के मेघदूत परिसर रविंद्र भवन में मनाया गया। इस नाट्य समागम में बच्चों के लिए नाटक व पुतुल प्रस्तुतियां, रंग संगीत, आधुनिक भारतीय रंगमंचीय प्रस्तुतियां वगैरह पेश की गईं। भारी संख्या में लोग इस नाट्य समागम में शरीक हुए और भरपूर लुत्फ उठाया। संगीत, नाटक और नृत्य भारत की बहुमूल्य विरासत है। मानव जाति की सांस्कृतिक विरासत के प्रति योगदान के रूप में इसका विकास जरूरी है। मसरूर फैजी, रंग तरंग, डीडी न्यूज। कैसा हो अगर ये कैनवस के रंग और ये कलाकृतियाँ इस आर्ट गैलरी से निकलकर खुले आसमान के नीचे आ जाए? जी हाँ, कैसा होगा? वाकई बहुत ही खूबसूरत होगा। आपका शहर ही एक आर्ट गैलरी की तरह लगने लगेगा। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और इन दिनों आप इसी तरह की वानगी देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में। क्या कुछ हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर, आइए जानते हैं। भारत में सार्वजनिक दीवारों पर वैसे तो अक्सर नारे या संदेश दिख जाते हैं, लेकिन अब स्ट्रीट आर्ट यानी दीवारों पर पेंटिंग्स का चलन बढ़ रहा है। यूं तो ग्रेफिटी का चलन कई देशों में है, पर आजकल दिल्ली की दीवारों पर तरह तरह की नई पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। जी हाँ, स्ट्रीट आर्ट इंडिया फाउंडेशन का मकसद कला को आर्ट गैलरीज और चार दीवारी से निकालकर जनता के बीच लेकर आना है, ताकि हमारी कला और संस्कृति से हर आम और खास रूबरू हो सके। ये योजना सड़कों तक कला और कलाकारों को लाने की है, जहां कलाकार सड़क के किनारे अपनी पेंटिंग्स दिखा सकेंगे और साथ ही नए कलाकारों के लिए मंच भी प्रदान कर सकेंगे। यहां आपको पेंटिंग के विभिन्न रूपों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये देखिए, गोंद आर्ट से सजी दीवारें। गोंद आर्ट तो मीडियम है, देन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि
जैसे आप देख रहे हैं कि एलिफेंट के थर्स में से उसके दांतों में से ही ट्रीज ब्रांचेस बन गई है। तो बेसिकली एनिमल्स एंड जंगल, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मतलब इनकी लाइफ एक साथ है। तो अगर आप ट्री ख़त्म कर रहे हैं तो समझ जाइए इनको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। ये पेंटिंग्स भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी कलाकारों ने भी बनाई हैं। वो चाहते हैं कि उनके देश की कला और संस्कृति को भारत के लोग भी जानें और समझें। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम से आए कलाकार शू भारत में पेंटिंग करके काफी उत्साहित दिखे। Oh, I'm here. I'm painting a background now, so bright colors. There will be some black on top of it, so it won't be all too bright. But what I'm painting is calligraphy, so it's a mix of calligraphy and graffiti. दिल्ली के लोधी कॉलोनी में चल रहे कला के इस खूबसूरत कार्य को देखकर लोग भी काफी उत्साहित हैं। आज के टाइम में दिल्ली के अंदर ऐसी आर्ट अगर देखने को मिल रही है तो बहुत अच्छा लगता है। दूर से ऐसा लगता है जैसे कि दिल्ली सुंदर नज़र आ रही है, दिल्ली को ब्यूटिफाई करा जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। इट्स जस्ट लाइक विजुअल ट्रीट। यहाँ आपको राजस्थान के महलों से लेकर घरौंदों तक की खूबसूरत कला के नज़ारे देखने को मिलेंगे, मानो आप राजस्थान में ही हों। ये मैं जयपुर का मिनिएचर, जैसे कि होता है जैसे हवेलियों के अंदर, ऐसा कुछ मैं नया यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की जो दीवारें हैं ना उनको मैं कुछ राजस्थान के उसमें डेवलप कर रहा हूँ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत चल रहे इस कार्य से स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं। इससे एक ओर जहाँ कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा तो वहीं दिल्ली की शान में और इजाफा होगा। दिसंबर से शुरू होकर फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल का मकसद CPWD के साथ मिलकर दिल्ली की लोधी कॉलोनी को पब्लिक आर्ट डिस्ट्रिक्ट बनाने का है, ताकि दुनिया के अन्य बड़े देशों के खास शहरों की तरह दिल्ली में भी टूरिज्म को और बढ़ावा मिले। किसी भी शहर के साफ सुथरा और खूबसूरत दिखने के लिए लोगों में अच्छी सोच और जन सहभागिता का होना बेहद जरूरी है, और इस जन सहभागिता की अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है आजकल दिल्ली की सड़कों पर, जहां पर कला के माध्यम से दिल्ली की सड़कों और दीवारों को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ मैं शहला निगार, DD न्यूज दिल्ली। अब महफिल सजी गई है तो आइए आपको ले चलते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा, जहाँ का मशहूर राजरानी टेम्पल शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरियों से गूंज उठा। जी हाँ, यहाँ पर शास्त्रीय संगीत महोत्सव में एक से बढ़कर एक कलाकारों ने शिरकत की, लेकिन जब वडाली बंधु आए मंच पर तो बस क्या कहने, क्या समा बंधा। बसंत ऋतु के आगमन से ही उड़ीसा का ये मशहूर राजा रानी टेम्पल शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरियों से गूंज उठता है। भुवनेश्वर में बीते हफ्ते राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया, और ये आयोजन हुआ मशहूर राजा रानी मंदिर के प्रांगण में। देश भर से आए जाने माने कलाकारों ने इस राष्ट्रीय संगीत महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर वडाली बंधुओं ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की। साथ ही साथ वडाली बंधुओं की प्रस्तुति में राग अभोगी और सूफियाना संगीत की भी छाप देखने को मिली। हमारा शास्त्रीय संगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर का बेहद अहम हिस्सा है। इस तरह के आयोजन इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर से उसी तरह से जुड़ी रहे जिस तरह से ये कलाकार जुड़े हुए हैं।
चार हैं, रास्ता तो एक है। पर्दा उठा के देख लो, ये दिल का पर्दा, पर्दा उठा के देख लो, मौला तो एक है। तेरा नाम नाम, तेरा नाम नाम नाम, तेरा नाम नाम, तेरा नाम नाम नाम, तेरा नाम नाम, तेरा नाम नाम नाम। अब वक्त है एक ऐसी शख्सियत को याद करने का जिसने भारत की कला संस्कृति का परचम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लहराया। मृणालिनी साराभाई सिर्फ एक नाम नहीं है, एक ऐसी नृत्यांगना जिसकी ख्याति सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। मृणालिनी साराभाई जिसने इतनी खूबसूरती से बदलते वक्त के साथ सामंजस्य बांधा, अपने आखिरी वक्त तक वो अपने शिष्यों के बीच रहीं, नए लोगों को नृत्य से जोड़ती रहीं, अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देती रहीं। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका नाम, उनका संगीत, उनका नृत्य हमेशा हमारे बीच रहेगा। मृणालिनी साराभाई एक ऐसा नाम जिसने शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की। उन्हें भरतनाट्यम और कथकली में महारत हासिल थी। उनका मानना था कि भारतीय परंपरा को मजबूत करने के लिए समय के साथ साथ नए नए नाट्य रूपों का जन्म जरूरी है। पद्म भूषण से सम्मानित मृणालिनी साराभाई केरल में एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के घर में 1918 में जन्मी। मृणालिनी को अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्राथमिक शिक्षा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में शांति निकेतन में हुई थी। टैगोर के मजबूत सानिध्य के बाद उन्होंने अपने समय के प्रख्यात गुरुओं से भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम सीखा। एक नृत्यांगना के रूप में सफल पारी के बाद उन्होंने कोरियोग्राफी का रुख किया। उन्होंने 300 से भी ज्यादा नृत्य नाटिकाएं बनाई। अपनी मृत्यु तक वो दर्पण अकादमी के जरिए नए लोगों को नृत्य सिखाती रही। साथ ही महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार और पर्यावरण के क्षेत्र में भी वो सक्रिय रही। नृत्य, संगीत और नाटक के प्रशिक्षण संस्थान दर्पण अकादमी की संस्थापक और निदेशक मृणालिनी साराभाई ने 18,000 से भी अधिक छात्रों को भरतनाट्यम और कथकली में प्रशिक्षण दिया था। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के चलते उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म भूषण और पद्मश्री भी शामिल है। 1994 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद के लिए भी उन्हें नामित किया गया। ब्रिटेन और मेक्सिको की ओर से भी उन्हें पुरस्कार मिले। यानी कि मृणालिनी साराभाई की मौत से न सिर्फ भारतीय कला जगत बल्कि दुनिया के नृत्य मंच ने एक अद्भुत कलाकार को खो दिया है। इसी के साथ रंग तरंग आज का ये सफर हम यहीं खत्म करते हैं। लेकिन अगर आप हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं या हमसे ये शेयर करना चाहते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rangtarangdnews@gmail.com। और यकीन मानिए आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, इसलिए प्लीज़ हमें ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल आज का सफ़र तो यहीं ख़त्म, लेकिन अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर फिर हाजिर हो जाएंगे हमारे देश की कला और सांस्कृतिक जगत के तमाम रंगों को समेटे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। I'm not afraid of the dark.